नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालाघाट में आम आदमी पार्टी ने कली पुतली चौक से अंबेडकर चौराहे तक निकाली तिरंगा वाहन रैली। सैकड़ों की संख्या में लोग वाहन रैली में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों को बताई दिल्ली और पंजाब सरकार की उपलब्धियां। रास्ते भर में कार्यकर्ताओं ने लोगों को बांटे दिल्ली और पंजाब सरकार के कामों वाले पंपलेट और पर्चे। मध्य प्रदेश में चल रही बदलाव की बयान, आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है सरकार, अरविंद चौधरी। बालाघाट में आम आदमी पार्टी ने काली पुतली चौक से अंबेडकर चौक तक विशाल वाहन रैली निकालकर राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। वाहन रैली में सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए, तो वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता वाहन के साथ काली पुतली चौक एकजुट होकर फिर रैली अंबेडकर चौक की तरफ रवाना हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। तो वहीं काली पुतली चौक से शुरू हुई वाहन रैली सराफा मार्केट से होते हुए हनुमान चौक से अंबेडकर चौक पर जाकर खत्म हुई और रास्ते में कार्यकर्ताओं ने लोगों को दिल्ली और पंजाब सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उन्हें पंपलेट पर्चे बांटे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के बालाघाट लोकसभा प्रमुख शिव जायसवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता अब भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में बेहतर विकल्प जनता को अभी की बार नजर आ रहा है और जनता दिल्ली पंजाब सरकार के कामकाज देख रही है और उसे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। जय हिंद साथियों, आज जैसा कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन माननीय प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज रखी गई थी, उसी के तहत बालाघाट में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। काली पुतली चौक से सराफा मार्केट होते हुए हनुमान चौक होते अम्बेडकर चौक से उसका समापन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, बाइक रैली के रूप में और पैदल यात्रा के रूप में यह आयोजन तिरंगा रैली आज की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आज स्वतंत्रता के एक दिन पहले जिस प्रकार से आज़ादी मिली थी 14 अगस्त को, उसी पक्ष में हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आज यह कार्यक्रम की घोषणा मध्य प्रदेश में करवाने के लिए की थी, जिसके समापन पर यहाँ सब लोग हमें इकट्ठा हुए हैं और यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए और मध्य प्रदेश के किसान मजदूर युवा बेरोजगार साथियों को महिलाओं को जो योजनाएं दिल्ली और पंजाब में दी जा रही है वो योजनाएं यहाँ पे दी जाएगी, उसको लेकर के रैली के आयोजन के साथ साथ हमने अरविंद केजरीवाल जी के कामों के पंपलेट भी यहाँ वितरण किए और वितरण करते हुए लोगों को ये बताया कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने के लिए सब लोग तैयार हैं और अरविंद केजरीवाल जी के उन कामों को मध्य प्रदेश में साकार करने के लिए लोग इतने इच्छुक हैं कि दौड़ दौड़ करके वो पंपलेट ले रहे थे। हमने देखा शहर के अंदर में लोग, अरे भैया हमें भी दो, हमें भी दो, इतना उत्साह मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रति दिख रहा है। निश्चित रूप से 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर ही बनेगी और अरविंद केजरीवाल के सपनों को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को, भगत सिंह के सपनों को साकार करने का काम आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता करेंगे। इसी रूप में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए, सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।